But sir, we'll start with you. This is action packed, power packed. You've been seeing it a million times in your edit studio. जब लोगों के साथ देखते हो और जो सीटियां सही वक्त पर चलने लग जाती है, how you feeling looking at it? अरे सब लोग तो मेरे ही है यार. सारे मतलब the main thing is 15th August को जब that's when we'll go out to the theaters and cinema halls and then hopefully that मतलब we'll not be able to hear the dialogues. But they're very very good by the way. Absolutely. But ये you know this combination between you and John sir is always fantastic. And like I say you know कई बार believable नहीं लगता है कुछ चीजें जब हम बड़े पर्दे पर देखते हैं. आप दोनों की जो chemistry है for action इतना believable लगता है. It's from the first time. कई बार हो चुका है. We've seen it on big screen also. What is this magic and how does this always happen? Because I think when John hits something, it looks as if it's going to break, right? So I mean, you know, Saleem Saab told us that told me one day, Saleem Saab said that they created Amitabh Bachchan. राइट सलीम एंड जावेद देख रहे अमिताभ बच्चन है नाउ डेज आजकल के जो हीरो है जब वो लोग गन पकड़ते हैं उनको आप कहना चाहते हो बेटा रख दो चल जाएगी राइट विद जॉन इट लुक्स एज इफ इट्स अ पार्ट ऑफ हिज हैंड राइट एंड इट्स सो इट्स लाइक आई मीन इट्स वेरी द इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाउ डू यू कीप चैलेंजिंग हिम हाउ डू मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर हिम हाउ डू कीप मेकिंग इट मोर एंड मोर डिफिकल्ट फॉर हिम टू डू समथिंग विच इज लाइक यू नो विच इज नॉट डन बिफोर सो या You know, but John, you're just way beyond just the physicality of it. मुझे याद है कि हम लोग कई बार इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं अब बॉडी है तो है बट यू गॉन वे बियॉन्ड दैट इन द लास्ट मेनी मेनी ईयर्स और बॉक्स ऑफिस पर चाहे सत्यमेव जयते हो चाहे बाटला हाउस हो वो भी चल जाती है यू लर्न हाउ टू यूज दिस ब्यूटिफुल फिजिकलिटी एंड इट डजंट ओवरपावर द स्क्रीन विद दैट वो है अब बाइसेप तो है लेकिन पावर पैक भी बहुत परफॉर्मेंस हो जाती है इज देयर ऑल्सो दैट स्पेशल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन निखिल जब आप फिल्में बनाती हैं उनके साथ भी यू नो हाउ नॉट टू शोकेस अभी सिक्स पैक नहीं दिखाना है वो जमाना जा चुका है आप सब कुछ दिखा चुके हो सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट मूविंग फॉरवर्ड विच इज ट्रू सब कुछ दिखा दिया बिल्कुल बट मूविंग फॉरवर्ड ऑल्सो दिस नाउ लुक सो रियल वी लव वॉचिंग तभी सीटियां एक्चुअली निकल जाती है सो इज दैट स्पेशल अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो व्हेन यू मेकिंग एक्शन सिनेमा विद हिम या आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग अस या थैंक यू फॉर कमिंग हियर आई हैव कम ऑन स्टेज आई थिंक आफ्टर टू और थ्री इयर्स आई एम अ लिटिल ऑकवर्ड एंड आई एम अ लिटिल रफ ऑन द एजेस सो या विद निखिल इट्स He just has to walk up to me and he's about to give me a brief and I say, yeah, that's what you want? Yeah, okay. So it's a mental connection that two of us have. And I always say this and I don't know whether I'm politically correct in saying this, कि आप फिल्म को जितना भी मार्केट करो, कुछ फायदा नहीं अगर फिल्म खराब है. You can market it till the cows come home. I think Veda is a damn good film. And I'm saying this on record. It's a very, very good film. And we'll see on August 15th with the word of mouth as to what Veda does. Yeah, word of mouth, actually, aajkal bahut powerful ho chuka hai. यहाँ स्टेज पर कुछ लोग ऐसे खड़े हैं जिसके बारे में ये बहुत इजीली जानते हैं आई एम गोइंग टू कम टू हर सो शी इज अंडरस्टूड दिस वर्ड ऑफ माउथ इज 100 करोड़ ऐसे हो जाता है बट उमेश जी जी स्टूडियोज हैड अ वेरी सक्सेसफुल रन बट यू नो Whenever you look at what film should we choose, ऐसा होता है कि यार इस फिल्म में कुछ एक्स्ट्रा है Like John has seen this, dubbing में भी देख लिया है लेकिन जब लोगों के साथ देखते हो तो ऐसा लगता है कि okay, Veda has something extra. ऐसा आपके साथ भी हुआ था How did you choose this? With this bunch of great makers, with this cast and the story that we have, how could we say no? I think when you watch the movie and you guys have seen the trailer, it's a very powerful film. And with this one, we definitely think we will punch this out of the market. Did you chat with a lot of people to say, "Yaar, mera to ekdam perfect aaya iske"? You know, looking at this, you feel my instinct is perfect. Yes. But then you do second guess your own instinct also with your close ones also when you're watching it. So I think the audience is finally who will give us the verdict. Yeah. We are leaving it to them. We are very happy with the product and like John said, kitna bhi marketing kar lo, ultimately the content speaks and that it is. The word of mouth shabd jo tha, Sharvari knows all about it. I remember Munjia ke time mein, there was a little bit of stress. She was in my studio. Salil, it should work. Aisa chal gaya, can you please tell us what you're eating? Yeah, what is the mantra jaap that you're doing? Ek mahine se sirf aapko hi aapka dekhte ja rahe. Big round of applause for her also. She just burst onto the scene. इन अ वेरी शॉर्ट टाइम और हर एक एक्टर ये समझता है कि जब आपकी पहली फिल्म आती है और जो शायद ऐसा ना करे जैसे आप चाहते हो और उसके बाद एक गैप हो जाता है फिर धड़ाधड़ जब आने लग जाती हैं यू जस्ट सेइंग वाओ दिस इज लाइक सचिन तेंदुलकर हिटिंग 50 एंड 100s सो कंग्रेचुलेशंस बट दिस इज अगेन अ वेरी डिफरेंट अवतार यू नो द अजम्पशन वुड बी कि आप एक टाइप का ऐसा रोल पकड़ेंगे और बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहे हैं तो जो आपने रूल बुक को बाहर फेंक दी है इसके बारे में जरूर बताएं
My heart is pounding a little bit. Now that you should be used to it. I'm also seeing this trailer in the theater with so many people and this kind of sound effects for the first time. So my heart is pounding. If I touch here, you guys will hear my heart. But I'm just grateful, actually, at this point for everything that has happened so far. Like you said, of course, my journey has not been ki, you know that your first film comes and then it doesn't work the way you wanted it to work. It's been a 3-year gap, like you said, so it's been a while. But a film like Veda, I just want to say thank you to Nikhil, sir. The main person, the first person who's given me this film, and I just want to say thank you because this film has not, I think I found confidence in myself when I was on this set. I have found confidence when he gave me this film, because for an actor like me, it's important for a director like Nikhil sir to just believe in you, forget the end product, forget what happens, etc. But the fact that he put his faith in me, that just means the whole world to me, because that has changed everything for me. You know, it has made me a different person. It has made me a different actor. And thank you, Nikhil sir, for everything. I can genuinely feel the gratitude coming out right now. And I can see their relief also. I can also feel tears behind you. This is fantastic. You've done it. You've made it. This is brilliant. I know the wait can be really long. So congratulations. You deserve all the thank success. You. Thank you really so do. Much to everyone also. Thank you so much. Yourself also. पहले ताली इनके लिए भी हो जाए बॉस. थैंक यू सो मच. जब भी लोग बोलते हैं ना कि अपने बलबूते पर अपने दम पर लोग जब बड़े हो जाते हैं एंड यू नो धीरे धीरे करके अच्छे परफॉर्मेंसेस के साथ एंड नाउ यू डिजर्व एवरी बिट ऑफ सक्सेस ब्रदर. यू आर सच अ ब्रिलियंट परफॉर्मर. और अभी जॉन के सामने अगर जब मारपीट भी करनी होती है, देखिए आपको मसल बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, आप तो बेस्ट यही हो, बाकी सारे जो उनको ऐसे 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 आना पड़ता है. सो कंग्रेचुलेशन ऑन प्योर टैलेंट ऑल्सो एंड व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस. छोटा बहुत थोड़ा बहुत देखा है सिर्फ ऑब्वियसली, बट इन पे भी काम करके और इनके साथ काम करके कैसा लगा आपको? नहीं, आई थिंक मैं जब कॉलेज में था और मैं किसी को बोलता था कि मैं एक्टर बनूंगा तो बोलता तू विलन बनेगा. मतलब वो कभी, हाँ मतलब हमेशा से क्या चरित्र क्या पता नहीं, मतलब अच्छा। चेहरे पे ऐसा कुछ था या क्या चरित्र की बात है. तो आई थिंक उन सारे कॉलेज के दोस्तों को बोलना चाहूंगा कि मैं फाइनली विलन बन गया और वो भी जॉन अब्राहम के ऑपोजिट. सो यू नो आई थिंक आई एम वेरी वेरी हैप्पी. एंड मैंने निखिल सर को ऑलमोस्ट चेस किया था, वो किसी और एक्टर से बात कर रहे थे कि यार तुमसे मिलना है. मैं घुस गया था बीच में कि सर मुझसे ही मिल लो. और फाइनली जब मैं मिला तो अरे क्या आप, मैं नाम बोल लूंगा इस एक्टर का. लेकिन फाइनली मैं इनको संडे को मिला था और इन्होंने मुझे ये वेदा की स्क्रिप्ट जो है मैंने वहाँ पढ़ी. And I think it is one of the best scripts I've ever read. And I really, really, मतलब ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ, because of casting के काम के वजह से भी बहुत सारे scripts पढ़ता हूँ. I think it's a very, very special script. और ये इंडिया के लिए बहुत important है, मतलब हमारे देश के लिए बहुत important कहानी है. And I mean, and it's a privilege to work with this team and this director. I still remember this one small thing. It was a talkie scene, and Nikhil sir just came and told me that you know, इसको बस तू एक्शन सीन की तरह ट्रीट कर. ये छोटा सा जो एक टिप था दैट चेंज अ लॉट इन द परफॉर्मेंस. सो आई एम ग्रेटफुल. थैंक यू सर. थैंक यू फॉर बीइंग देयर थ्रू आउट दिस जर्नी. एंड नाउ लेट्स होप द ऑडियंस. एब्सोल्युटली. आई एम गोना गिव आउट टू द ऑडियंस बिफोर दैट, बट जस्ट सम वर्ड्स विद मी जस्ट बिफोर आई आस्क द ऑडियंस टू आस्क योर क्वेश्चंस. यू नो यू मेक अ फिल्म एंड यू गॉट लाइक सो मच प्रेप वर्क हैज एक्चुअली गॉन इन देयर. यू हैव टू चूज एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट दिस. हु रियली सरप्राइज्ड यू प्रेप वर्क से जो कूद के बाहर आ गया? They said, my God, man, what did they do on screen? मैंने सोचा था अच्छा करेंगे, लेकिन ये तो कहीं ज़्यादा अच्छा हो गया. If you had to choose somebody, who would that be in the film? I think that would be Kshitij. Very, 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 very sitting. Yeah. Oye, oye, क्या बात? You can turn around, brother. Let them see who you are. Yeah. Yep. He's just a, I mean, at face value, he's just lovely, good-looking boy. Yeah. But I mean, he really was the guy who I needed to torment her, and then become like a crazy, you know, like a crazed kind of person. And I think John and I sat and watched so many of the Kavish kept sending us stuff, and John and I kept looking, and we kept saying, okay, John is he's good looking, huh? He's good looking. But John would say, yeah, his body bhi acha hai yaar. That kind. But we kept looking. But I think that what I mean, there's a kind of you really hate him. You really, but tab you at one point in the film you want to turn and say isko maar padni chahiye. Yeah, which is great. I think that's lovely. Yeah. John, do you still like beating people up on screen? I mean, is it fun?
You don't, right? You're actually not as aggressive as people say that you are. Not at all, not at all. I'm actually very, very soft in real life. I've Absolutely. Never, just knowledge that no one knows probably. I've never got into a fist fight in my life. That's because people are too scared to get into a fist fight with you. That's different. It's not you. It's not them, it's you. No, I think I'm non-confrontational. I don't like fighting. I don't think it's the best way. Yeah. On screen, yeah, a little bit of pulling steering wheels out and all is okay. Yeah, a little. And you're an amazing animal lover. That's why I love you so much. There's a lovely moment that I want to just quickly chat about if I have 2 seconds. It's right? All yours. And I can't, whatever we can say about John in this and his involvement in this film is less. Because really at the end of the day, somebody of that stature and that kind of a star to basically come to the set and I say, John, today you're just standing. कुछ नहीं कर रहे स्टैंडिंग एंड यूर वॉचिंग जस्ट स्टैंड 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 एंड ही जस्ट केप्ट डूइंग इट केप्ट डूइंग इट आई रिमेंबर एट वन पॉइंट आई थिंक वी वर एट द 40th or 50th day or 40th day of show or 30th day of show, something like that. And Sharvari came to me and she said that, you know, John today said, because it was the first day of action. Yeah. And John said, now the film starts. 50 days in, I'm going to open out to questions, please. CEO of the Censor Board has put in her papers today. Yeah. Oh, okay. Okay. We've got a question on the left. John, your left. Rahul here from the Filmi Charcha. 15 August apne aap mein ek bahut bada din hota hai. Kuch saal pehle tak to 15 August, abhi bhi 15 August bahut bada din hai. Lekin kuch saalon se 15 August ek cheez aur ke liye jana jata hai, wo bhi John Abraham ke film ke liye kuch saalon se. To bahut proud moment hai aapke liye bhi. Lekin on screen to apne desh ke liye bahut seva kiya hai, bahut kuch kiya hai, bahut galat hote hue bhi roka hai aapne. Lekin kya real life mein kabhi kuch pure desh ka to nahi badal sakte? Lekin aapke aas paas kuch galat ho raha ho. तो क्या कभी आपने कोशिश किया है कभी या कोशिश करेंगे आप कुछ गलत रोकने का? या डेफिनेटली लाइक एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कोशिश डेफिनेटली करूंगा मैं क्यों सब लोग करेंगे कोशिश. कभी मौका मिला है सर ऐसा कुछ शेयर करना चाहेंगे इंसिडेंट? आई मे बी सम अदर टाइम ऑन सम अदर, लेकिन करूंगा डेफिनेटली. वी आर ऑल गुड सिटीजंस. यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हैं दे ऑल वॉन्ट टू डू गुड फॉर द कंट्री, तो हम लोग सब करेंगे. हेलो. हाय निखिल सर, आई एम अर्थेश फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन. सो भाई मेरा क्वेश्चन ये है आपको दैट इट टुक 6 ईयर आपको और अजीम सर को टू डेवलप द स्क्रिप्ट. सो व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट के इसको इतना टाइम लगा आने के लिए? एंड वन मोर थिंग दैट यू सेड के इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स लाइक इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी. सो आपने सोसाइटी को किस तरह देखा, वट लाइक किस तरह पोर्ट्रे करना था आपको? व्हाट वाज योर मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट? क्या था मोस्ट, व्हाट आर द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट्स ऑफ what which make you took 6 years to develop the script? Yaar actually I mean it's a very frivolous answer but I'll give it to you. Mujhe bola gaya tha ki yaar Jodhpur aa jao, wahan pe barish nahi hoti hai, and it just rained and rained and rained and rained. To matlab aur mera jo DOP hai malay stand up, and every single person over here will say that wow okay, how beautiful the film looks. बट लिटरली यार 2 बजे उठना पड़ा, 3 बजे उठना पड़ा, 1 बजे सोना पड़ा, बिकॉज आई मीन मलय इज क्रेजी अबाउट द लाइट एंड वॉन्ट्स द लाइट टू बी परफेक्ट. तो अगर आपको ब्लू आर जी. हेलो सर, जॉन अब्राहम साहब, व्हाई डिड इट टेक 6 इयर्स टू डेवलप दिस फिल्म? इट टुक मी 6 इयर्स टू डेवलप दिस फिल्म इज बिकॉज यार आई वाज ट्राइंग टू मेक अभय पन्नूज रॉकेट बॉयज, आई वाज ट्राइंग टू डू मुंबई डायरीज माई सेल्फ, आई वाज लुकिंग फॉर समबडी टू प्ले वेदा. व्हेन शर्वरी केम इनटू द ऑफिस एंड शी हर्ड इट एंड आई लुक्ड एट इट, आई सेड दिस इज वेदा. आई मीन आई थिंक इज इनक्रेडिबल. जॉन एंड आई वर्कड very hard on the script, we worked hard on the action, because actually most people still say yaar kalona kyun nahi banate ho. So for me to be able to do what I did with DD and take it one step further in terms of the action, it was really really interesting. but most importantly I think we worked very 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 hard on the script, very hard. यार वो रिस्क तो हमेशा होता ही है. तो वो इफ आई मेक सेकंड पार्ट ऑफ कलोना आउट टुडे, लोग बोलेंगे यार ये क्या है 6 दिन लड़की है, राइट?
लोग बोलेंगे यार एक औरत वहाँ पे एक वुमेन स्टैंडिंग हो दे एंड टू मैन आर स्टैंडिंग डिस्कसिंग इस जन्म में तुम वो तुम्हारी हो गई अगले छः जन्म में तो एवरीथिंग इज अ रिस्क आज एवरीथिंग इज अ रिस्क एवरीथिंग हैज़ टू बी थॉट अबाउट एवरीथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स बट हैविंग सेड दैट दैट डजंट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम टेलिंग द स्टोरीज दैट यू वॉन्ट टू टेल एंड आई थिंक दैट वेदा रियली समथिंग दैट आई it really 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 I mean the story of Veda and the story of like the soldier who basically she helps her get to what she wants to do was something that I wanted to do and wanted to say yeah it's just everything fell into place John sir mera sawal aapse John sir is taraf mera sawal ye hai ek lambe break ke baad jab Shahrukh Khan saab ऑन स्क्रीन पर आए तो जवान ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए क्या आपको लगता है वेदा भी वो कमाल कर पाएगी और वेदा को इतने लंबे अरसे के बाद आपने साइन किया इसकी यूएसपी क्या लगती है आपको जी आई डोंट नो अभी उसका जवाब कैसे दूं लेकिन आई जस्ट टेल यू विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बाटला हाउस और जो भी हमने साथ में करा आई थिंक वेदा इज द बेस्ट फिल्म दैट निखिल एंड आई हैव डन टुगेदर इट्स आउटस्टैंडिंग तो और मैं सच बोल रहा हूँ कि एंड आई एम रिपीटिंग अगेन कि एंड दिस इज़ व्हाट आई ट्राई एंड एक्सप्लेन टू जितने सारे हमारे स्टूडियोज़ है मार्केटिंग पीपल है एंड आई ट्राई एंड एक्सप्लेन द नाइसेस्ट पॉसिबल वे क्योंकि ऑल क्रेडिट टू जी देर आर फैंटास्टिक टीम लेकिन मैं सबको बोलता हूँ कि इफ योर फिल्म इज़ नॉट गुड नो अमाउंट ऑफ मार्केटिंग विल हेल्प द फिल्म तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मैं स्टेज पर बोल रहा हूँ सबके सामने वेदा इज़ अ डैम गुड फिल्म इट्स अ वेरी गुड फिल्म और चलेगी कितना चलेगी मुझे पता नहीं वेदा इज गॉट निखिल अडवाणी एज डायरेक्टर इज गॉट अभिषेक बैनर्जी इट्स गॉट शर्वरी बाग इट्स गॉट फैंटास्टिक एक्टर्स इन दिस फिल्म जो यहाँ बैठे हैं हमारे साथ आउटस्टैंडिंग प्लीज आई मीन इफ यू कैन जस्ट प्लीज स्टैंड अप एंड एवरीबडी जस्ट द फिल्म इज नॉट कम्प्लीट विदाउट ऑल ऑफ देम सिनेमेटोग्राफी एक्शन मलय अमीन भाई एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स तो फिल्म का जो यू एस पी इज़ एवरी थिंग इट्स नॉट जस्ट वन थिंग एंड इट्स अ और मैं ऑन रिकॉर्ड करना चाहता हूँ इट्स आई एम ऑल्सो हाफ पारसी प्लीज अंडरस्टैंड कि जो बुरा है मैं बुरा बोलता ही हूँ तो आई डोंट केयर वेदा इज अ गुड फिल्म इट्स अ वेरी गुड फिल्म कॉन्फिडेंट जॉन सर मेरा क्वेश्चन आपसे है सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन बधाई बहुत अच्छा आपका ट्रेलर है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा आपने इसमें किया है लेकिन लगातार आप की सत्यमेव जयते आई उसका पार्ट टू आया पठान भी हमने देखी बहुत अच्छा बिजनेस किया लेकिन ये देखने में आ रहा है कि लगातार आप एक ही तरह का रोल कर रहे हैं खास तौर से एक्शन पे ध्यान दे रहे हैं तो ऐसा क्यों है कुछ नया लाई है ना सर मैं हिंद समर्थन से आपने फिल्म देखी है नहीं अभी तो नहीं देखी लेकिन ट्रेलर से अंदाज हो गया कैन आई कॉल आउट बैड क्वेश्चंस एंड इडियट्स सर मुझे टेलर से अंदाज होगा कि वो उसी तरीके का जैसा नहीं नहीं मैं तो आपको सिर्फ डायरेक्टली कहना चाहता हूँ कि ये फिल्म अलग है मेरे हिसाब से तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटेंस परफॉर्मेंस जो मैंने करा है एंड ऑफ कोर्स आपने फिल्म देखी नहीं है ट्रेलर देखा है फिल्म देखिए आप उसके बाद आप जज कीजिए एंड देन आई एम ऑल योर्स व्हाटएवर यू से व्हाटएवर यू से हाँ बट इफ यू आर रॉन्ग आई एम गोना टर्न यू अराउंड एंड टेल यू अपार्ट हेलो अच्छा रुको पहले अपना नाम तो बता दो ताकि याद तो रहे जॉन ठीक है सर नाम बहुत ही चेहरा देख लिया मैंने नोट कर लिया नाम क्या आपका ओके ओके हेलो 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 जॉन सर हाय हियर आई मस्ट टेल यू जॉन कांग्रेचुलेशंस वन सेकंड जॉन कांग्रेचुलेशंस यू हैव अप्ड योर एक्शन गेम Thank you. How much did it, how much went into, you know, while so upping honestly, the game? So honestly, this is just to, I'm just trying to continue the answer there. This is actually not an action film. It's a very, very emotional film. And when you see it, you'll know that it's a very, very emotional film. And please see the film, you'll understand what I'm talking about. We can't speak so much about it. We've shown what we had to show. It's a beautiful, emotional story. And I get moved. Sometimes when I see it on the edit, you get tears in your eyes. It's beautiful. Three. Can I ask a question? Yes, yes. Yes, ma'am. Yes. Thank you. Tell me about Veda, the process that went to the Bhasha, Maharaj. Ji. काफी पहले लोगों ने देख लिया Maharaj. Ji. Tell me about the process. Speak about it. Ma'am, Veda जो कहानी है वो
वो एक बहुत ही ब्रेव लड़की की कहानी है और जिसे एक बहुत ही ज़्यादा ब्रेव कोच मिलते हैं और इट्स देयर जर्नी टू जस्टिस. और जैसे आपने कहा कि मेरा जो प्रेप रहा है वेदा के लिए, ऑफ कोर्स दिस कैरेक्टर डिमांडेड अ लॉट फ्रॉम मी बिकॉज ये राजस्थान में सेट है जिसके लिए भाषा का जो लहजा होता है वो आपको चेंज करना पड़ता है. जैसे यू नो जैसे कि हर किलोमीटर पे पानी बदलता है वैसे भाषा भी बदलती है. तो आई थिंक कि एज एन एक्टर मैं हमेशा से बहुत हंग्री और ग्रीडी रही हूँ इस चीज़ को लेके कि जब कोई किरदार आता है तो मैं सबसे पहले ये खोजती हूँ कि इसमें मेरे प्रीवियस किरदार से अलग क्या है और मुझे वो बहुत एक्साइट करता है. ये जो छोटी चीज़ें होती है कि कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, और बात करने में भी एक होता है लैंग्वेज, दूसरा होता है उसकी पेस, वो किस पेस किस मीटर पे बैठता है, किस पिच पे बैठता है. आई थिंक ये सब जो काम है मुझे बहुत पसंद है, मुझे प्रेप में बड़ा मज़ा आता है. और ऑफकोर्स निखिल सर वॉज द मेन गाइड क्योंकि उनके साथ काफ़ी सारी रीडिंग्स हुई मेरी. महादेव जो यहाँ पे है उन्होंने एक्चुअली सबसे ज़्यादा हेल्प की है मेरी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज क्योंकि मैं महाराष्ट्रन हूँ और थैंक यू मैम. तो जो डिक्शन आपको ऑफकोर्स यू नीड हेल्प, ये ऐसे नहीं होता कि आप मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी फ्रॉम इन एंड अराउंड दिस रीजन ताकि मैं रियल लोगों को सुन पाऊँ रादर देन गोइंग टू फिल्म्स और गोइंग टू एनीथिंग एल्स. ऑल्सो एक बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है राजस्थानी और हरियाणवी में जो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन ऑफकोर्स माई डिक्शन कोच बॉट इट अप टू मी और आई थिंक कि उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है. सो you know it, and also it's a very emotional story, very brave story, apart from the fact that ki of course as a character there was a lot of backstory that I had to build. It was not just about the language, not just about boxing, not just about anything else, because ye jo kahani hoti hai na, har kahani filmon mein kahin beech mein se shuru hoti hai, lekin hum kisi ki zindagi play kar rahe hote hain aur is zindagi ke agar veda 16-17 saal ki hai to usne 16-17 saal jiye hain, wo kaise jiye hain, to wo sab pe kaam karna, to wo mera prep raha hai. Aur I would say कि मुझे इससे ज़्यादा मज़ा कभी नहीं आया है प्रेप करने में, इवन दो दिस अ वेरी वेरी टफ स्टोरी, लेकिन एज एन एक्टर आई हैव ऑलवेज जस्ट वॉन्टेड टू प्ले समथिंग लाइक दिस. एंड अगेन आई वुड से थैंक यू टू निखिल सर. हेलो हेलो, हाय जॉन सर, हियर जॉन सर, हियर ऑन योर लेफ्ट, ऑन योर लेफ्ट जॉन सर, हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा लगा ट्रेलर, टीजर भी बहुत अच्छा था. जॉन सर मेरा सवाल आपसे ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज आयुष, आई एम फ्रॉम बजुका मीडिया. 2003 में आपने जिस्म फिल्म से डेब्यू किया था, उसके बाद से लेकर अब तक आपने सभी विलन्स के सारे जिस्म की सारी हड्डी तोड़ी है. मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपको कभी एक्शन सीन करते टाइम ऐसा कभी डर लगा है कि यार ज़्यादा ताकत लग गई तो लेने के देने हो जाएंगे और सामने जो खड़ा है इसकी उतनी इज्जत भी करना है? आप ये फिल्म देखिए एंड आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग विदाउट टेलिंग यू मच ऑफ द स्टोरी, इसमें जो एक्शन, आप एक्शन की बात कर रहे हो, the action that Abhishek Banerjee has done in this film, mazak nahi kar raha hu main, intermission point matlab aap inke liye taaliya bajaoge, number one, climax mein inke liye aap taaliya bajaoge. So I think it's a big misconception ki you know an actor becomes a prisoner of his own image, ki jaise Salil ne kaha bicep se ye hai wo hai, lekin jo intensity Abhishek has brought to the character is unbelievable. Abhishek is outstanding. तो मैं अपने एक्शन के बारे में बात नहीं करूंगा, यू सी एम इन द ट्रेलर, ही इज आउटस्टैंडिंग एंड जॉन इज वेरी हम्बल ऑल्सो एंड ही लाइक्स टू ऑलवेज बट विच इज द ट्रूथ ऑल्सो. बट ये बात सच है कि ये जो बोल रहे हैं कि अभिषेक तो बहुत कमाल का काम किया है. This is Prachi, and my question is to Madhu ma'am. You've always made these stories with the real life incidents, and they're very hard hitting stories. So what pushes you to make such stories, and what inspires you to make such stories? Well, I think there isn't anything more miraculous or exciting than real life, and I think we you know constantly get inspired by what we see around us. There are enough heroes around us, we don't have to only keep looking in the films or you know everywhere else. There ordinary people can inspire you, and for example Mrs. Chatterjee was one of those stories, right? But I'd like to believe that you know we tell the stories that we enjoy watching.
watching, and sometimes they find us, sometimes we go looking for them. But it's I think yeah, isn't it? I mean, it's the kind of stuff that we like to watch. It's what excites us, and meaningful cinema. I think not that, you know, you have to find a lesson in everything. We want to entertain people, but we want people to take away something more than that. And so I think that's what keeps us going, you know. So we keep coming back with these kind of stories. Abhishek, aapke left mein. Hi. John ne aapki tareef ki hai action ko lekar, to aap kya kehna chahenge is par? Nahi, I mean, I think he's just being too sweet. I tried jitna matlab ho sakta hai, maine kiya. मुझे अभी भी याद है पहली बार जब मैं इनको सेट पे मिला था और मैंने इनके डोले देखे थे, बोला कैसे होगा ये कैसे करूँगा मैं, हाउ डू आई इवन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिम. बट या आई थिंक बट बात ये है कि हम हमेशा एक्शन, और ये जो आप बात कर रहे थे कि मतलब एक्शन फिल्में, हर कैरेक्टर का एक्शन अलग होता है, और वही कमाल की बात होती है कि आई थिंक इवन इफ द कैरेक्टर इज हिटिंग इन अ सर्टन वे, ही इज हिटिंग विद द कैरेक्टर. तो हम इसको एक्शन बोल रहे हैं, लेकिन मेरे लिए जैसे कहते हैं देसी रॉ एक्शन फिल्म है, और उसमें ड्रामा उतना ही ज़्यादा है, और उस ड्रामे की वजह से जो है मुझे लगता है कि एक्शन का वेट बढ़ता है. सो वो जो बिल्डअप कहते हैं ना, जो आई थिंक निखिल सर बार बार बोलते थे कि एक बिल्डअप है, वो बिल्डअप, वो जो टेंशन जब बढ़ता है तब वो एक्शन में रिलीज होता है. और वायलेंस का तभी फायदा है जब मतलब उसका कोई रिपरकशन हो. तो इस फिल्म में आप वायलेंस का रिपरकशन देखेंगे, ऐसा नहीं है कि चोट लगी अगले सीन में ठीक हो गया, यू नो. सो दैट्स समथिंग व्हिच आई थिंक इज यूनिक टू दिस फिल्म. आपकी जो फिल्म है स्त्री 2 और वेदा एक ही दिन रिलीज हो रही है, तो जब एक एक्टर की दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज होती हैं, तो उसके क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं? मैम, मेरे साथ पहली बार हो रहा है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है. मैं आई थिंक 15 के बाद मुझे समझ में आएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है. अभिषेक बैनर्जी का जो क्यूमुलेटिव कलेक्शन है, नो वन विल बी एबल टू टच. यू कैन कंपीट विद हिम ऑन दिस डे. Hi, Rutunjay here, on your left. On your left, yeah. Hi, first of all, amazing trailer, fantastic trailer, and I'm Rutunjay from Pop Diaries, and congratulations to the team. And I'm loving the energy, enthusiasm, and the encouragement you're giving to your back-end team and supporting actors. Hats off to you guys. So my question is to Monisha. As we have seen, your previous films have released on the same day, and they have released with other films, they have clashed with other films, and still they did well. Now again, Veda is releasing with two other films, as rightly said. So what are your thoughts as a producer? Of course we'll do well. But I think all the films will do well, I hope. I think the you know, jis daur se hamari industry guzar rahi hai, it's important that we support all films. So I would really request the power of the media now to play that role and tell people that please don't go and see just one film, don't go and see just two films, please go see all three films, because see Veda, we need first. That. Well, see an Abhishek Banerjee film first. How's that? but the fact is, please support all three films. It's a lovely time in the year. Rains reduce a little. It's our 77th Independence Day. It's an important time for us to all come together and enjoy this wonderful experience called cinema. I mean, the fun that is to watch it on a screen, that smell of the popcorn. I mean, we've all talked about it and we romanticize it. But I mean, to really experience it again and again, and to have three great films to do that. Please watch all the films. That's what I would say. I'm speaking like a producer, but I'm also talking like a movie goer. Thank you. Thank you so much. I think we'll wrap this up right now. We'll do some pictures right now, please. Yeah. If you all could all stand, they'll take all the mics. And if you could swiftly remove all the chairs. Done, seedha ho gaya, right, left ho gaya? Okay, thank you. Cast and crew, just cast and Nikhil sir. Sir, you have to be in every frame. The cat's out of the bag, huh? One second, solos. Everyone solos. अच्छा सर, पहले तीनों जन का. अच्छा पहले नहीं नहीं, वन सेक शर्वरी, पहले दे सिंह, तीनों जन का. आप तीनों का पहले एक साथ. सेंटर
सर बालकोनी लिख बोलो ना बेस्ट सोलो सोलो Thank you guys, thank you gentlemen, thank you very much.